हाय फ्रेंड्स, तो अब हम हैं लाइट हाउस बीच पर। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लाइट हाउस है और ये देखिए ये है बीच यहाँ का। काफ़ी शांति है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। कितना क्लीन वाटर है यहाँ का, ग्रीन कलर वाटर, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और थोड़ी आवाज सुनिए आप सी की। तो हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि बोटिंग के थ्रू वी विल रीच पैराडाइज बीच। तो वहाँ पर शुरू में बोटिंग होती है, तो अब हम फाइनली वहाँ पहुंच चुके हैं। ये है चुनिंदा बोट हाउस, जहाँ से हम बोट लेंगे और उसके बाद हम पैराडाइज बीच जाएंगे। हम अंदर जा रहे हैं बोट लेने के लिए, तो आइए आपको बोट पे मिलते हैं। यहाँ पर जब तक बोट के लिए वेटिंग है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के खेलने के लिए अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं खाने पीने का भी है, क्योंकि वेटिंग होती है। 50 एंट्री फीस थी यहाँ की, और अब बोटिंग के लिए अलग से एक टिकट काउंटर है, तो वहाँ से लेनी पड़ती है। उसके बाद ये देखिए इतनी लंबी लाइन है, जिसमें लगता है हमको जाना पड़े। टाइम टिकट में टाइम था, हम कैफे शॉप जा रहे हैं पानी लेने। तो 708 की दो टिकट्स हैं, 300 पर पर्सन। हमें आधा घंटा हो गया है टिकट काउंटर से टिकट लिए हुए। जैसा मैंने बताया, 708 की दो टिकट्स मिली हैं हमको, और यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। बट ये आप क्यू देख सकते हो, कितनी लंबी क्यू है। तो वी स्टिल हैव टू वेट फॉर आई डोंट नो कब तक। बट और जैसा ये आप देख रहे हो, कितनी गर्मी है, 29-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है यहाँ पे। बट थैंक्स टू दीज शेड्स, जिसकी वजह से हमें आराम है, एंड थैंक्स टू दीज टेबल एंड चेयर्स, यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे हैं। और यहाँ कैफे शॉप भी है, अगर आपको भूख लगे कुछ करे, यू कैन टेक दिस। बट आज हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो नॉट रिक्वायर्ड। आगे उधर एक्सेसरीज के लिए हैट एंड एनीथिंग यू कैन बाय। तो अभी हम बोट को बोर्ड करेंगे, और इधर देखिए इधर भी बोटिंग चल रही है। और इससे हम पैराडाइज बीच जाएंगे, और जो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 708 रुपए की दो टिकट हैं यहाँ पर। और एक क्यू से एंट्री ले ली है, और अब हमें थोड़ी देर यहाँ पर बोट के आने का वेट करना है। तो आप ये देखो, यहाँ पर बोट अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी कोई आ जाएगी, फिर हम बोट करेंगे। फिर मैं आपको बोट के अंदर का दिखाती हूँ। फाइनली अब हम बोट में बैठ चुके हैं, और हम पैराडाइज बीच जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पैराडाइज बीच, और ये पैराडाइज बीच देखिए, ये ऊपर बैठने का भी अरेंजमेंट है, नीचे भी है, क्योंकि यहाँ बहुत धूप है। जैसे मैंने बताया, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। बट बिकॉज हम सी के पास हैं, तो आपको पसीने नहीं आएंगे, इतनी गर्मी नहीं लगेगी जितना कि टेम्परेचर है। अगर जो लोग नोएडा में रहते हैं, उनको पता है कि 30 डिग्री सेल्सियस में क्या हालत होती है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये है बीच मेरे पीछे, यहाँ पर सही फन ले रहे हैं। ये भी क्राउडेड नहीं है आज, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इट्स रियली नाइस टू बी हियर। आधा घंटे की बोटिंग थी, बोट में हम लोग आए हैं यहाँ पर, और फिर टिल द टाइम वी वांट टू बी हियर, हम यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद दोबारा से बोटिंग के थ्रू हम वापस आएंगे। सो लेट्स गो। मस्ट विजिट प्लेस, आप देख सकते हो क्या अच्छा लाइट्स भी बहुत अच्छी है, एक्चुअली एंजॉय दिस। सो दिस इज द पैराडाइज बीच, और पीछे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अवेलेबल है। सो आई विल एक्सप्लोर इट इन अ वाइल, अभी पहले यहाँ के मज़े लेते समथिंग। और यहाँ तो मुझे कोई रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो बट मुझे कुछ कैमल्स नज़र आ रहे हैं, तो लेट्स गो टू देम एंड वॉच। ये देखिए यहाँ का रास्ता है, सीम्स वेरी रिस्की, बट वी विल गो टू मीट द कैमल्स। देखिए
दो कैमल्स हैं यहाँ पे, इसकी फोटो डाल दो। यहाँ पे दो कैमल्स खड़े हैं इस जगह पे, ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट शायद इनको खाना दिया हुआ है, खाना खा रहे हैं और बंधे हुए हैं, सो देयर इज नो हार्म। सो जस्ट यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए अरेंजमेंट है जिसकी वजह से बच्चे जिद करने लग जाते हैं, और तो आपकी मर्ज़ी है आप उसमें उनको भेजना चाहते हैं या नहीं। फिर आगे अब हम ये पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट की तरफ, सो लेट्स एक्सप्लोर। पर वेजिटेरियन मेन्यू में ज़्यादा है नहीं तो हमें बस एक सैंडविच ही मिला। डन विद पैराडाइज बीच, हमने एक सैंडविच खा लिया जो कि बहुत ही बुरा था, 150 इनफैक्ट 300 रुपये वेस्ट। तो अब हम वापस जा रहे हैं बोट की लाइन में। So this was my day 3 in Pondicherry. Please subscribe my channel and stay tuned for more videos. Thank you. Bye.